सुल्तानपुर लोधी विखे उस समय सनसनी फैल गई जो रेलवे स्टेशन दे नेड़े ब्रिज को कण पछाते व्यक्ति की लाश बरामद हुई। इस संबंधी जानकारी दिंदे हुए मौके ते पहुंची पुलिस ने दस्या कि उन्होंने मुताबिक व्यक्ति की मौत रेलगड्डी की चपेट च आने नाल हुई है। उन्होंने कहा कि मृतक व्यक्ति कोलों कोई भी पहचान पत्र बरामद नहीं हुए हैं जिस कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल उन्होंने वालों लाश न कब्जे च लै 72 घंटे लिए मॉर्चरी घर विच रख दी गई है। मैं सुखविंदर सिंह एएसआई चौंकी इंचार्ज GRP सुल्तानपुर लोधी इतने मौके पर आया किलोमीटर नंबर 45 दे कते। अज सानू करीब अद्धा घंटा पहलों स्टेशन मास्टर वालों सूचना मिली सी एक डेड बॉडी पई है इतने, जे अं इतने आए हैं मौके पर अननोन डेड बॉडी आ ते इहदा रेलवे एक्सीडेंट का सानू लगता जी, क्योंकि रात की कोई गड्डी इतने लंघी उहदे थल्ले आया। ये असं जिहड़े पहने हुए कपड़े तो सानू कोई भी चीज़ इहो जी नहीं मिली जिथों इहदी पछाण हो सके। यदि पछाण करने लिए असं हूँ असं 72 घंटे मोर्ची रखांगे, जो भी साडा सोशल मीडिया वा चलता अपना ते नाले प्रेस वाला जो भी प्रेस अपनी ते थाने वाले तालमेल करके यदि जे पता लगाया जाए यदा एड्रैस की आ। शुरुआती जांच की लग रहा शुरुआती जांच यह रेलवे एक्सीडेंट का मामला लगता जी, बाकी यदि जो भी हजे तफ्तीश अं करांगे जी की उतों सामने की बने की। सुल्तानपुर लोधी तो सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट।